कि जैसे ही मैंने सुनाने को कहा तो जो आपने सुनाया वो मुश्किल से उसका 25% या 15% आप सुना पाते हैं, किसी के सामने जैसे ही सुनाने की बारी आती है। और अकेले में जब हम गुनगुनाते हैं तो आए हाय ऐसे ऐसे सुर लगाते हैं हम, और वो असली होते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें आपकी कुछ खामी है, पर वो एक्चुअली पोटेंशियल है आपका कि उतना आप गा सकते हो, उतना दम से, उतना जोश से, एंड इवन उतना सुर में। कई बार सामने सुनाने जाते हो तो बेसुरा सुना रहे होते हो और एकांत में आप बहुत सुरी लगा रहे होते हो, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस या झिझक जो है, झिझक मिटाओ और कॉन्फिडेंस लाओ। सबसे पहला स्टेप वो होना चाहिए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आप में जितना पोटेंशियल है उतना तो सुना पाओगे। बात करने हो तो क्या बेखुदी लाओ, बात करने हो तो क्या बेखुदी लाओ, खुद से मिलने को मैं कैसे खुदी लाऊं। गला खराब हो गया यूं तुरंत ही। ये हम कलाकारों की थोड़ी है एक दिक्कत, हमें कोई भी अगर गाना गाने को कह दे तो सबसे पहला हाथ हमारा गले पे जाता है कि आज थोड़ा गला ख़राब है और थोड़ा रियाज नहीं है मेरा। हमारे गुरुजी इस चीज़ को यूँ कहते हैं कि एक कलाकार कभी रियाज में होता ही नहीं, उसको आप कभी भी कह लो गाना सुनाने को, वो तुरंत थोड़ा रियाज नहीं है। बोले रियाज में होता कभी, फिर कभी नहीं होता रियाज में, है ना। और गला हमेशा ही ख़राब होता है और पानी तो तुरंत चाहिए रहता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये झिझक, ये डर, ये जो तकल्लुफ़ है, फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये सारे नहीं होने चाहिए जब एक सिंगर को गाने को कहा जाए। वो इतना बेझिझक, इतना बेबाक होना चाहिए कि गाते ही जैसे ही बोला गाना सुनाओ तुरंत अगले सेकंड तो शुरू, सोचना ना पड़े। इतना तैयार होना चाहिए, ठीक है, इतना तैयार भी और इतनी ललक भी उसमें होनी चाहिए, तब तो मज़ा है ना। वरना सीखने का फ़ायदा क्या, अगर आप प्रेजेंटेशन से अगर झिझक गए तो फिर सीख क्यों रहे हैं। क्योंकि हम सीख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें प्रेजेंट करना है, तो पहले तो वो प्रेजेंटेशन वाला बैरियर हटाना पड़ता है। और प्रेजेंटेशन का बैरियर गुरु या जो आपको गाइड कर रहा है उसके सामने तो आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं, तभी देखिए मैं क्या कोशिश कैसे करता हूँ कि एक गुरु शिष्य का रिलेशन कैसा रहे सिखाते समय, है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे गुरुजी से भी ऑब्जर्व किया है और मेरे पिताजी ने भी उनके ही गुरुजी से ऑब्जर्व किया है। कि पहले क्या करते थे मेरे दादा गुरुजी, थोड़े सख्त मिजाज के हैं, है ना, थोड़ा मतलब ऐसे टफ, थोड़े डांट देते हैं चीज़ों पे, गुस्सा कर देते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, झिझकते हैं फिर उनके सामने गाने में, डर लगता है कि यार अभी कुछ गलत गा देंगे तो गुरुजी तुरंत टोक देंगे और गुस्सा कर जाएंगे, है ना, नाराज़ हो जाएंगे। तो एक भय रहता है, इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पाते, गुरु के ही सामने परफॉर्म नहीं कर पाते, कुछ सुना ही नहीं पाते थे। फिर ये चीज़ गुरुजी ने भी ऑब्जर्व करी अपने आप के अंदर कि यार ये मेरी आदत थोड़ी सी ख़राब है, तो उन्होंने खुद ही ने सुधार ली इस आदत को कि अब उनके सामने कोई कितना ही बेसुरा गा रहा हो वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। वरना क्या करते हैं, वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और रिएक्ट बोल के भी नहीं, उनका चेहरा बोल देता है। जैसे ही आपने बेसुरा सुर लगाया उनका चेहरा बिगड़ जाएगा और यूं हो जाएंगे, वो कान यूं कर लेंगे, है ना। तो भाई सामने वाले का मनोबल टूटता है इससे। तो ये चीज़ मेरे पिताजी ने भी उनसे सीखी कि ऐसा नहीं करना है, और मैंने भी उनसे यही सीखा कि ऐसा नहीं करना है, है ना। बच्चे को गवा देना, ये कैसे हो जाता है कि बच्चा गा उठे, है ना, इट्स नॉट यू, इट्स मी हु इज अलाउइंग यू टू सिंग एक्चुअली में, है ना। और यही चीज़, ये चीज़ हमारे गुरुजी कई बार बोलते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो तुम मेरे सामने गा सकते हो, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं गा सकते, है ना। तो भाई वो क्या गला थोड़ी पकड़ लेंगे हमारा, लेकिन वो भाव ही ऐसे देंगे कि वो वाइब्रेशंस ऐसी मिलेगी कि मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, और सीखने के दौरान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मेरे सामने, मैंने कोई चीज़ सिखाई और अगर प्रस्तुत ना करूं, गाया ही नहीं, तो मैं कैसे ही उसमें अच्छी बात भी बताऊंगा और बुरी बात भी, खामी या खूबी दोनों ही, है ना, कि कोई ख़राबी है उसमें या कोई अच्छी बात है, वो बताने के लिए मुझे चाहिए कि हाँ कुछ करो तो सही, तब तो मैं बता पाऊंगा। तो सबसे पहले तो गुरु के सामने झिझक होनी ही नहीं चाहिए, भले वो आप कुछ भी सुना रहे हों, है ना, या डर और झिझक दोनों ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, इज्जत होनी चाहिए लेकिन डर और झिझक नहीं। तो भय जो है या झिझक जो है वो अगर आपके मन में रहेगा तो सीखना कैसे होगा ये बताओ ना। फिर ये छुपा के रखने वाला धन नहीं है, ये डिस्प्ले करने वाला धन है, कला का जो धन है, क्योंकि हमारा परफॉर्मिंग आर्ट है। अच्छा, परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट में कितना फ़र्क हो जाता है। विजुअल आर्ट पेंटिंग को कहते हैं, है ना, उसमें करना क्या, आप तो एक कोने में बैठ के भी आप पेंटिंग कर लोगे और बाहर एग्जीबिशन कर दिया, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप एक इंट्रोवर्ट भी हो तब भी चलेगा। लेकिन एक कलाकार हो और इंट्रोवर्ट भी हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ तो प्रस्तुति चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट इसीलिए उसे कहते हैं, है ना। जो नृत्य कह लो, अभिनय कह लो या गायन कह लो, संगीत की और भी जितनी भी विधाएं हैं, वो सब परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाती हैं, प्रस्तुति करने वाली कला है। तो प्रस्तुति करते समय झिझक
परेशानी इन सबको नाज से काम लेना पड़ता है, है ना। देखिए आधी जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, आधी जो हमारी प्रस्तुति करने की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, हमारे कॉन्फिडेंस पर। आधी से ऊपर ये समझ लीजिए, आपके अंदर कितनी क्षमता है कि कितना अच्छा गा बजा नाच सकते हो, वो निर्भर करती है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो जितनी क्षमता है उसका भी 25% आप सुना पाते हो। हो सकता है कि अभी आपने जो सुनाया ये सिर्फ 10% हो आपकी ओरिजिनल कैपेसिटी का, आपके पोटेंशियल का। ये और अच्छा पता है कब आएगा आपका 100% कब आएगा, जब आप एकांत में होगे, ऐसे ही कहीं घूम रहे होगे, नहाते नहाते जो गायकी होती है या कोई काम करते करते जो गुनगुनाता है, वो जो पोटेंशियल है ना वो 100% होता है हमारा। ये चीज़ मैंने बहुत स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व करी है, इसीलिए विद ऑब्जर्वेशन ये चीज़ कह पा रहा हूँ कि जैसे ही मैंने सुनाने को कहा तो जो आपने सुनाया वो मुश्किल से उसका 25% या 15% आप सुना पाते हैं, किसी के सामने जैसे ही सुनाने की बारी आती है। और अकेले में जब हम गुनगुनाते हैं तो आए हाय ऐसे ऐसे सुर लगाते हैं हम, और वो असली होते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें आपकी कुछ खामी है, पर वो एक्चुअली पोटेंशियल है आपका कि उतना आप गा सकते हो, उतना दम से, उतना जोश से, एंड इवन उतना सुर में। कई बार सामने सुनाने जाते हो तो बेसुरा सुना रहे होते हो और एकांत में आप बहुत सुरी लगा रहे होते हो, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस या झिझक जो है, झिझक मिटाओ और कॉन्फिडेंस लाओ। सबसे पहला स्टेप वो होना चाहिए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आप में जितना पोटेंशियल है उतना तो सुना पाओगे, है ना। और वो कलाकार एक ऑडियंस सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है जो कलाकार उनसे इंटरैक्ट करता है। सबसे ज़्यादा आनंद आता है कलाकार को सुनने में भी, है ना। वो आर्टिस्ट जो अपने में गाए और आके गा के चला जाए, ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पसंद। अब ऑडियंस में कुछ भी हो सकते हैं, आपके 4 लोग भी हो सकते हैं, 40 भी, 40,000 भी, 4 लाख भी और 4 करोड़ भी, कितने भी। इंटरैक्शन होना चाहिए, भले ही वो यहाँ डिजिटली हो या फिर लाइव हो। इंटरैक्शन नहीं होता है ना तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है। और इंटरैक्शन कैसे कैसे हो सकता है, सबसे पहला तो आई कॉन्टैक्ट। पहला इंटरैक्शन आई कॉन्टैक्ट से होता है ना, कि आपने उनकी तरफ देखा है पहली चीज़ तो, उसके बाद आँखों से आँखें मिलाई हैं, फिर बात आती है कि आप वर्बल इंटरैक्शन कर रहे हो, है ना। वर्बल इंटरैक्शन तो बाद की बात हो जाती है। जैसे अगर मैं अभी कुछ गा रहा हूँ और अगर मैं यहाँ नीचे देख के गाता रहूँ पूरे टाइम, तो आपको मज़ा नहीं आएगा मुझे देखने में और मेरी परफॉर्मेंस सुनने में भी। या मैं आँख बंद करके अपना ही अपना करता रहूँ तब भी मज़ा नहीं आएगा आपको। आपको मज़ा आना उसी वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस हमेशा समझदार हो ये ज़रूरी नहीं है ना। और ज़्यादातर आपको नासमझ ऑडियंस ही मिलेगी जो संगीत को नहीं समझेगी, तो आपका सिक्का चल जाएगा वहाँ पे भी अगर आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं तो। ये एक आपको बहुत गहरी अंदर की बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी कला भी कमज़ोर है ना तब भी आपका सिक्का चल जाएगा अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो। आप बस अपने पूरे विश्वास से वो चीज़ प्रस्तुत कीजिए, सामने वाले को ये यकीन हो जाता है कि हाँ ये सही कह रहा है, कन्विक्शन कहते हैं इसे। अगर आपने कोई दृढ़ता से कोई झूठ बोल दिया तो सामने वाले को मानना पड़ जाता है, सच ही लगता है उसको, है ना। कि अगर आपने मैम को कह दिया नहीं मैम होमवर्क किया है मैंने, वो तो कॉपी घर पर रह गई मेरी, काम तो मैंने किया था, वो कॉपी घर पे रह गई, वरना आपको मैं सुना देती अभी चेक करा देती, पूरा किया था मैम, ये वाला सम तो सॉल्व है ना। तो अगर वो टीचर थोड़ा सा नहीं समझता होगा तो वो मान जाएगा कि यार बच्चा कह रहा है तो मतलब बात में दम ही होगा, है ना। तो ना समझो के सामने गाने के लिए एक पैंतरा बता रहा हूँ आपको कि विश्वास अगर आप दिखा दो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद पर तो अपने आप मज़ा आ जाता है। अभी आपने जो गाया, अच्छा चलिए मैं तो संगीत की समझ रखता हूँ थोड़ी बहुत तो मैं इसमें कमी खामी बता दूंगा, लेकिन यही चीज़ अगर आप फुल कॉन्फिडेंस आंख से आंख मिला के बेबाकी जिसे कहते हैं, बेबाकी यानी बाकी एक चीज़ होती है, बाक यानी बोलने की शक्ति, तो बेबाकी यानी बोल्डनेस से बोलना, है ना। वाक देवी कहते हैं ना सरस्वती को, वाक देवी कहते हैं कि आपकी वाणी की देवी हैं वो, तो उसी का वाक का ही उर्दू में बाक बन जाता है। और बेबाकी यानी बिना झिझक के, बिना किसी परवाह के आप बेबाकी बोल्डनेस से आप बोलते हो। तो अगर वो बेबाकी आपकी कला में है तो आप इसी कॉन्फिडेंस के पिताजी के सामने आप सुना दीजिए, पिताजी को पसंद आ जाएगा, बोले यार क्या गा रही है मेरी बेटी तो, है ना। क्योंकि जाहिर बात है उनको उतनी नहीं मालूम चलेगा कि कहाँ सुर गया या कहाँ पिच बदला या कहाँ लय चली गई, है ना, लेकिन उनको क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस में क्या चीज़ अट्रैक्ट कर जाएगी, कॉन्फिडेंस। तो इस वजह से ही मैं कहता हूँ कि कुछ भी परफॉर्म करो बेबाकी से, कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करो, है ना। उसके बाद कला निखारो भाई, तुम्हारी आधी ऊपर कला तो वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ तुम यूं हो जाते हो कि इधर उधर देख के गाना, नर्वसनेस,
नर्वसनेस ही आधा मार देता है। इंटरव्यू में जब अपन जाते हैं तो मेन पॉइंट कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज तो बाद में चेक की जाएगी ना, पर कैसे आपने उस कमरे में एंट्री करी है। जैसे ही उस कमरे में आप एंट्री करते हो और जो आपका बॉडी पॉस्चर है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, आधा तो आदमी उसी समय घायल हो जाता है कि नहीं। आपसे वो सवाल ही फिर उस अकॉर्डिंग पूछेगा, लेकिन आप भी ऐसे ही डरते डरते सर मैं ऐसे झुक झुक के और ऐसे ऐसे गए हो तो फिर वो भी मजे लेगा सामने वाला भी, फिर वो भी सवाल ऐसे ऐसे करेगा तुम्हें और नीचा करने के लिए, है ना, तुम्हें और पुश करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्फिडेंस रखने के फायदे क्या होते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर बेबाकी से बेझिझकी से आपने अगर मेरे सामने आंखों में आंखें डाल के बेसुरा भी गाया है ना, मुझे ये मानना पड़ जाएगा कि वो सुर में था। समझ रहे हो, ये पैंतरा मैंने सीखा भी बेसुरों से ही है। ये पैंतरा बेसुरों से ही सीख के मैं आपको बता रहा हूं कि वो ऐसा ही करते हैं, कि उनमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है ना। बाकी फिर ये, और मैं अपनी भी बात बता दूं, हमने तो कई जगह ऐसे ही परफॉर्म किया है, जैसे आपने बोला ना लिरिक्स हमें कभी याद नहीं हुई जीवन में, वो तो आज है कि चलो थोड़ी बहुत गजलें याद हो जाती है, शब्द याद हो जाते हैं, वरना मेरी ताउम्र ऐसी निकली है पूरी कि मुझे कभी शब्द याद नहीं हुए। तब भी स्टेज पे ऐसी बेझिझकी से परफॉर्म किया, वो शब्द गाए जो उसी समय पैदा हो गए मन में, तो सामने वाले को लगा हाँ यही लिरिक्स होगी शायद, है ना। यहां तक आ जाता है, आप जो गलत भी अगर झूठ को उस वजन से तो बोलो, वो झूठ सच बन जाता है ना। तो वो वजन आना चाहिए आपकी। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है, कॉन्फिडेंस दो तरीके से आता है, या तो आप उसको बनावटी ला रहे हो कॉन्फिडेंस को, या आपके पास वाकई नॉलेज है। जब असल ज्ञान होता है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। अभी मैं आपके सामने बेबाकी से बोले जा रहा हूं इतनी देर से, मैं बीच में रुक नहीं रहा। वो क्यों नहीं रुक रहा हूं, क्योंकि नॉलेज है ना। नॉलेज है तो बेझिझक बोलूंगा, मुझे कहीं डरने की जरूरत नहीं, मेरे किसी शब्द पे अटकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेरी भाषा पे यकीन है कि कहीं भी जो चीज मेरे दिमाग में आएगी, जो थॉट आएगा, उसको रूप देने के लिए, शब्द देने के लिए है मेरे पास, लैंग्वेज है, ठीक है, वो कैब है। तो वो कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप ये सारी चीजें आ जाएगी। अब बाकी आपके गाने में क्या ठीक था क्या नहीं था वो बाद की बात आती है, कि कहां सुर बदल गया, कहां पिच ठीक नहीं था, या वॉइस पंच ठीक नहीं था, वॉइस थ्रो ठीक नहीं था, वो सारी चीजें तो मैं वैसे भी सुधरवाई दूंगा, है ना। धीरे धीरे रियाज करोगे, टेक्निकलिटी सीखोगे, तो ये सारी चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन वो चीज जो सिर्फ आप सुधार सकते हो वो कॉन्फिडेंस है।